तो ये कहना है कि साइल के की झलक है सबसे अलग बिल्कुल बिल्कुल डैशिंग डायनामिक साइल अलवेज इटीस रन आ चुके हैं मैं यही सवाल कर रहा था आपने शाम में टॉस जीता आपने फील्डिंग करने का निर्णय लिया कप्तान को भी मैंने पूछा था उनके इंटरव्यू में और विष्णु बल्लेबाजी कर रही है कुछ ऐसा ही टाइम था ऐसी स्टेज थी फाइनल डे था सावला के खिलाफ टॉस जीतकर नाहवा ने की थी फील्डिंग और सावला को बल्लेबाजी का मौका मिला उन्होंने सौ से ऊपर रन पहले इनिंग में बनाए थे और वो चेस नहीं हुए थे एक्जेक्टली यही कुछ कारण है या विकेट के लिए तरसती हुई ऑनलाइन हमसे जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र के सदाबहार कमेंटेटर अजय गरज जिनको आप 21 तारीख को यहाँ सुनेंगे स्वागत है अजय का क्या कमेंटेटर है मल्टी लैंग्वेजेस्ट इस मत आप बैकफुट पे गए हैं खींच के मारा है पीछे खिलाड़ी देखते रह गए गे। गेंद मिड विकेट पर छे रन क्रीज में पीछे जाकर इंतजार किया और वार किया गजब का मंडप यहां पे आप देख रहे हैं। के हमारे तुकाराम पाटिल की तरफ से फिर से देखिए दूसरे एंगल से रन बन नहीं बल्कि बह रहे हैं। यह दूसरा मुकाबला रेगुलर क्रिकेट का चलता हुआ एक और, एक और और आसमान में तान दिया, दिया के ऊपर छ रन बल्लेबाजी हो रही है या फिर हाइलाइट्स हो रहे हैं यह कहना मुश्किल है फॉलो थ्रू देखिए कितना खूबसूरत है शॉट को जब फिनिश किया बल्ले के पीछे कंधा चला बल्ला कंधे के पीछे और गेंद बाउंड्री के पीछे और क्या सिक्सर का ट्रिक स्लॉक स्वीप रन आप ये शाम एकता ट्रॉफी का भिओण्डी एकता ट्रॉफी में आ, सदाबार कमेंटेटर अजय भरत ने जो रंग भरा उसी से वो ऊपर चली गई तसेच या स्पर्धेमध्ये जी, जी टी सी ग्लोबल टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातनं आपल्यासोबत जोडले गेलेत केंद्रीय मंत्री चषकाचे आयोजक अर्थातच अंजूरचे उपसरपंच सुखेश आता दा डाकिया आणि एव्हन जोडी निलेश पाटील त्यांचं देखील करूया आपण हार्दिक स्वागत आणि त्यांच्याकडनं ऑल द बेस्ट आहे सोनापाडा आणि ज्या संघाला जे नेहमीच रायगडात पुरस्कृत करत असतात नावा टीमला कारण रोहन जॉन्डी हे अतिशय फेवरेट प्लेअर आहेत एवन जोडीचे क्रिशा इलेवन नावाला ऑल द बेस्ट इस मरतबा कट करने की कोशिश जगह नहीं थी वहाँ पर अच्छी वापसी महाराष्ट्र की एवन जोड़ी का स्वागत है ये देखिए बहुत खूबसूरत गेंद गैदर बहुत अच्छा किया था विकेट कीपर ने इस तरह पे बहुत ही क्लोज विकेट कीपिंग करना जब बाएँ हाथ का गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा हो तो बहुत मुश्किल है डैशिंग डायनामिक साइल शेख साइल केने और गणेश केने का इशो इस मरतबा फिर से गेंद को मोड़ दिया है क्या स्लॉन्ग स्वीप खेल रहे हैं बैटिंग रुकने का नाम नहीं ले रहे मनीष गैरत जो जो गेंद मोहल्ले पे आ रही है वो आ रही है बाउंड्री के बाहर जो तीन या चार इंच की गेंद कल फीफा वर्ल्ड कप खत्म हुआ जैसे सचिन रमेश तेंदुलकर की आखिरी वर्ल्ड कप में उन्होंने टाइटल वर्ल्ड कप का जीता था कल मसी जर्सी नंबर टेन को फीफा वर्ल्ड कप जीतते हमने देखा आज मनीष गैरत भी रुकने का नाम ले रहे इस मैच में ये देखिए फ्रंट फुट पे स्लॉन्ग स्वीप खेलना बहुत मुश्किल काम रहता है लेकिन बल्लेबाजी बहुत लाजवाब हो रही है इस लेट कबीर निर्मल स्मृति चषक में एक से बढ़कर एक कमेंटेटर देखिए ऑल दी बेस्ट वहीं कहे जाएंगे जो हमें ऑर्गेनाइजिंग कमेटी अलाउ करेंगी हम आपसे क्षमा चाहते हैं कमेंटेटर बंधा हुआ रहता है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का एक डॉट गेंद चार सिक्सर आए स्कोर बैठा है, उनसठ रन रनों की गंगा रनों की रंगोली सजाई है दोनों बैट्समैन ने और विकेट के लिए मानो सोनार पारा ऐसे तरस गई है जैसा प्यासा कई सहरा में पानी के लिए तरसता हो मनकुलीजा मैदान हा इतिहास है एकदा साढ़े चार वजुन गले की संध्या कई रन्स बनता अजून एक अजून एक मोठा फटका हा देखील जाईल स्कोर ऑफ द विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर फिफ्थ इन रो एकाच एक ओव्हरमध्ये पाच षटकार षटकं संपलीय तीन आणि धावा पासष्ट